इजिप्ट की ममीज के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया के एक मंदिर में 900 साल पुरानी ममी आज भी मौजूद है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली के श्रीरंगम मंदिर की, जहाँ वैष्णव समाज के गुरु श्री रामानुज की 900 साल पुराना शरीर आज भी मंदिर में मौजूद है। श्रीरंगम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार रंगनाथ के लिए बनाया गया था। ये मंदिर एक स्वयं व्यक्ता मंदिर है, जिसका मतलब है कि ये मंदिर कितना पुराना है ये किसी को भी नहीं पता। ये साउथ इंडिया का एक प्रख्यात वैष्णव मंदिर है। श्री रामानुज, जिनकी 900 साल पुरानी ममी इस मंदिर में है, वो दरअसल वैष्णव समाज के एक गुरु थे, जिनका जन्म 1017 एडी में हुआ था। अपने 120 साल के जीवनकाल में से 80 साल वो श्रीरंगम में रहे और 20 साल वो श्रीरंगम मंदिर के मुख्य पुजारी रहे। और जब उनको लगा कि उनका इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है, तब उन्होंने इसी मंदिर में समाधि ले ली। उनका शरीर मंदिर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के पांचवें चक्कर में रखा गया है, जैसा कि खुद श्री रामानुज ने कहा था। अब आश्चर्य की बात यह है कि श्री रामानुज के शरीर को 900 साल से बिना किसी केमिकल के रखा गया है, जबकि इजिप्ट की ममीज में शरीर पर केमिकल्स लगाए जाते थे। श्री रामानुज के शरीर पर 900 साल से चंदन का पेस्ट और केसर लगाया जा रहा है, ताकि शरीर खराब ना हो। साल में दो बार कपूर और केसर का एक मिश्रण श्री रामानुज के शरीर पर लगाया जाता है, जिससे उनके संरक्षित शरीर पर ऑरेंज कलर की कोटिंग हो जाती है। उनका शरीर उनकी मूर्ति के पीछे रखा गया है, जो आज भी देखा जा सकता है। उनकी उंगलियों पर नाखून देखे जा सकते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये असल में एक इंसान का शरीर ही है। इजिप्ट की ममीज को सोने की पोजीशन में और कपड़े में लपेट कर रखा जाता था, लेकिन श्री रामानुज के शरीर को बैठने की अवस्था में रखा गया है, जिसको लोटस पोजीशन भी कहते हैं। अब ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी तक कई लोगों को ये नहीं पता कि उनके पवित्र मंदिर श्रीरंगम में श्री रामानुज का शरीर 900 साल से मौजूद है। श्रीरंगम एकमात्र ऐसा हिंदू मंदिर है जहां किसी इंसान के शरीर को मंदिर में उनके समाधि के बाद रखा गया हो, और वो भी 900 सालों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा